हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू तो स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम टू तो स्वैप टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल आज हम देखेंगे कि विदाउट द यूज़ ऑफ थर्ड वेरिएबल दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम कैसे स्वैप करवा सकते हैं स्वैप टू नंबर्स मतलब दो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को इंटरचेंज करवाना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमेंट मेंशन कर दिया सी लैंग्वेज में कमेंट मेंशन करने के लिए हमें स्लैश स्टार और उसके बाद टेक्स्ट टाइप करना है अपने कमेंट का और इसको क्लोज करना है स्टार एंड स्लैश से उसके बाद हम यहाँ पे अपनी हेडर्स फाइल इंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वर्ड मेन देन यहाँ पे हमें टू वेरिएबल्स चाहिए जिनकी वैल्यूज़ को हम स्वैप करवाएंगे ए एंड बी मैंने वेरिएबल्स के नेम ले लिए दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं उसके बाद क्लियर स्क्रीन क्लियर स्क्रीन इज अ लाइब्रेरी फंक्शन जिसकी डेफिनेशन मैंशन रहती है कोनीो डोट एच में उसके बाद ए और बी की वैल्यूज़ को इनपुट करवाने से पहले हम स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले uh, करवाना चाहते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी तो प्रिंट एफ की हेल्प से हम डबल कोर्स में जो भी टेक्स्ट मेंशन मेंशन करते हैं वो एज इट इज हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हो जाता है उसके बाद स्कैन एफ की हेल्प से ए और बी की वैल्यू को हमें इनपुट करवाना है ए एंड बी इंटीजर टाइप के हैं तो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफार यहाँ मैंशन करना होगा परसेंटेज डी परसेंटेज डी देन कोमा एम परसेंट ए कोमा एम परसेंट बी अब यहाँ देखे ध्यान से थ्री लाइंस हैं ये जो कंसेप्ट है दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज करने का इन तीन लाइंस के हेल्प से होगा वो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को आप ऐड कर दें फॉर एग्जांपल ए में हमने वैल्यू रखी टेन बी में वैल्यू रखी ट्वेंटी तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू को ऐड करवा देंगे टेन प्लस ट्वेंटी इज इकल टू थर्टी वो थर्टी वैल्यू हम असाइन करवा रहे हैं ए में वी आर यूजिंग ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी रहती है राइट टू लेफ्ट राइट right साइड की वैल्यू को असाइन करवा देता है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में तो ए में अगर हम वैल्यू टेन लेते हैं बी में ट्वेंटी लेते हैं तो थर्टी टेन प्लस ट्वेंटी को थर्टी करके वैल्यू दे देगा ए में उसके बाद बी इज इक्वल टू ए माइनस बी अब ए में वैल्यू हो चुकी है थर्टी थर्टी माइनस बी में अभी भी वैल्यू है हमारी ट्वेंटी थर्टी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन तो बी की वैल्यू आ गई है टेन पहले बी में वैल्यू थी ट्वेंटी बी में वैल्यू हो चुकी होगी टेन पहले ए की वैल्यू थी टेन बी की वैल्यू ट्वेंटी और इन तीन स्टेटमेंट्स के बाद ए की वैल्यू होगी ट्वेंटी एंड बी की वैल्यू होगी टेन ऐसे हम ए और बी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को इजीली क्या करवा सकते हैं स्वैप या इंटरचेंज अब हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ए और बी की वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है और ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे परसेंटेज डी परसेंटेज डी टास्क में गेट सी एच एन

ए की वैल्यू पहले जो टेन थी वो रिप्लेस हो गया ट्वेंटी से बी की वैल्यू पहले ट्वेंटी थी अब बी में वैल्यू हो चुकी है टेन तो देखें हमने कितना इजीली दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज करवा दिया है अब हम इसे दोबारा रन करते हैं होल्ड एफ नाइन कंपाइल करने के लिए कंट्रोल एफ नाइन रन करने के लिए तो हम यहाँ पे कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं सपोज ए में हमने ले लिया सिक्सटी फाइव बी के लिए हमने ले लिया थर्टी फाइव